नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम के पास मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की यहां पर कोशिश की गई। फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले हैं। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अशोक भाटी जुड़े हुए हैं। अशोक, आपको हम देख पा रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अभी बताइए, जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, जांच अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको मैं सीधे ब्लॉक दिखाना चाहूंगा। ये वो ब्लॉक है जिसे उठाकर, जो 70 किलो के आसपास वजन था उसको उठाकर इस पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो छोटे मोटे ब्लॉक हैं उनको भी रखा गया है। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रयास करते हैं। सर, क्या आपने जांचा है, क्या परखा है, क्या देखा अभी तक? देखा, मामला तो सीरियस है। अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ, मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मामले को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि ब्लॉक बड़ा था? अगर मान लो ट्रैक नीचे उतर जाती ट्रेन तो एक बड़ा हादसा है, नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा बड़ा ही भयंकर हादसा होता वो तो। उन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए या लोकल पुलिस से मिलके और इस केस को जितना जल्दी होगा वर्कआउट करने की कोशिश। क्या लगता है सर, कोई साजिशन ये घटनाक्रम हुआ है, या फिर यहाँ के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है, या लूट के इरादे से हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी घटनाएं अमूमन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है? अभी कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई है। अब इसके लिए तो जब तक एक्चुअल क्रिमिनल पकड़ में नहीं आएगा, उसका क्या इंटेंशन था, क्यों उसने रखा, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो जिसने भी रखा है ठीक नहीं किया। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि लूट के इरादे से भी उसको लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है DFCC कॉरिडोर में कई सामान जो है ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। क्या जाता है क्या नहीं जाता है किसी को नहीं मालूम होता है। तो क्या मंशा आपको लगती है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का भी ट्रैक है यहाँ पर, इसी पे रखने का कोई मकसद? नहीं, इस पे रखने का मकसद क्या है लूट का तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों उन्होंने रखा। हाँ, ये है कि इम्पोर्ट काफी कीमती सामान गुड्स ट्रेन में जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लूट का था या कोई उनका दूसरा इंटेंशन था वो जब तक पकड़ में नहीं आएंगे इस बारे में कुछ खुलासा नहीं किया। कहाँ सर आपको जानकारी मिले, आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो कौन सी जगह है और किस तरह का ये ब्लॉक था जो रखा गया? नहीं, ब्लॉक तो सीमेंटेड ब्लॉक था, त्रिकोण आकार का था, जो अजुमन यहाँ रखा हुआ साइड में ही है, ऐसा ही था सेम। वो एक आदमी का तो नहीं है, हो सकता है इसमें एक से दो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक मैं कह रहा हूँ आपको, जब तक पकड़ में नहीं आएगा कोई एक्चुअल आदमी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसको हम पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इसको बताओ। इस ट्रैक पर सर कितनी ट्रेनें रोजाना निकलती होगी? तो मैक्सिमम बहुत सारी गुड्स ट्रेन है, ओनली गुड्स ट्रेन का ट्रैक है ये, अप एंड डाउन, तो सारी मालगाड़ी ही निकलती है। ये जगह कौन सी है जहाँ पर यह हादसा हुआ, तो आसपास के इलाकों को भी देखेंगे, क्योंकि फुटेज जो मिल नहीं पाए, आसपास के गांव के जो मौके पर लोग रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे? हाँ, आसपास के लोगों से पूरी बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे कोई इसमें इन्वॉल्व है गांव का या कोई बाहर का। और लोकल पुलिस से भी हम सहयोग ले रहे हैं, मांगलियावास पुलिस को हमने रजिस्टर करवाया है, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं वो भी हमें सहयोग करेंगे, हम उन्हें सहयोग करेंगे और इसको जल्दी बताओ। ट्रैक को लगातार गश्त भी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, तो ये कौन सा समय था जब ये बदमाश जिन्होंने ये किया है इस वारदात को अंजाम दिया, हालांकि गनीमत रही कि रुक गया, ये कौन सा समय था और इस समय जो है ट्रैक पर गश्त नहीं होती? ट्रैक पर गश्तें हो रही हैं, लगी हुई थी गश्तें, बता रहा है जो गश्त वाला है इनका, DFCC का स्टाफ है, लेकिन उस समय वो दाएं बाएं आगे निकल गए होगा, पीछे निकल गए कहीं होगा, तो मौका देख के उन्होंने कर दिया है। और ये शनिवार, सॉरी, संडे की शाम का है, रात को 10:30 बजे करीब, तब का मामला। इसे लेकर सर कौन कौन जांच करेगा? आरएफ जो आपकी RPF पुलिस है, आपने सिविल लाइन मतलब यहाँ के जो लोकल थाने में मांगलेवास में दर्ज कराया, क्या आवश्यकता पड़ रही है कि यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जिले की उनको भी इसकी जानकारी दें, क्योंकि बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, ट्रेन को डीरेल करने का मामला है? हाँ बिल्कुल, उनकी जानकारी में बहुत जरूरी है, उन्हीं के द्वारा हम इसे जांच कराने की कोशिश हम भी करेंगे, लेकिन हमने केस उनके यहाँ रजिस्टर कराया है क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति साथ तोड़फोड़ करने का इरादा था। और भी कुछ मकसद आपको लगता है? ना, और ऐसे भी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी इस मामले में, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, वो मौके पर पहुंचे हैं और यहां पर जो
ब्लॉक रखे थे वो रखना उनका मकसद दूसरा था या लूट का इरादा था या कौन सा था, उन सभी विषयों को देखते हुए, उन सभी पहलुओं को देखते हुए इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी अशोक, आपने अभी बातचीत की अधिकारी से और उन्होंने बताया कि ऐसा संभव हो सकता है कि जब जांच दल यहां से रेल की पटरियों का जांच करके आगे निकला होगा और उसी दरमियान इन्होंने यहां पर ब्लॉक्स रख दिए होंगे, इसका मतलब आरोपियों को पता था कि किस समय जांच दल आता है जांच करने के लिए, किस समय मालगाड़ी वहां से गुजरेगी, क्या वो वक्त रहेगा जब जांच दल यहां से चला जाएगा और उसी पर्टिकुलर टाइम को उन्होंने चुना, साफ तौर से पता चल रहा है। और अशोक हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, आपने सुना अधिकारियों ने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए बताया है कि इसमें साजिश की बू आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा संभव हो सकता है कि मालगाड़ी को डिरेल करने की ही कोशिश यानी कि बेपटरी करने की कोशिश आरोपियों के द्वारा की गई थी। आरोपी कौन है, कहाँ से आए थे, ये जो ब्लॉक पटरी पर रखा गया ये कहाँ से आया था, 70 किलो का वजन है इस ब्लॉक का जो लाल घेरे में आप अपने देख पा रहे हैं, इसे तोड़ती हुई मालगाड़ी निकल गई और इसके टुकड़े कई किलोमीटर तक फैले हुए नजर आए। इस दौरान जब मालगाड़ी इसको तोड़ती हुई निकली तो वहां पर मालगाड़ी चालक को भी थोड़ा सा असहज महसूस हुआ और यही वजह थी कि इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही टीम को मिली तो जांच करने के लिए टीम वहां पर पहुंच गई है। घटना स्थल पर हमारी टीम भी मौजूद है और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि आखिर कैसे इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश जो है आरोपियों के द्वारा की जा रही थी, हालांकि वो नाकाम साबित हुई है। आरोपी कौन थे इसकी भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बातचीत की आपने सुना कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का इस पत्थर को लाना यहां पर नामुमकिन सा लगता है। ये वही पत्थर है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जिसे आरोपी जो है बताया जा रहा है रेलवे ट्रैक पर लेकर के आए थे और उन्होंने ठीक रेलवे ट्रैक पर इस ब्लॉक को रख दिया जहां से मालगाड़ी जो है गुजरने वाली थी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, News 18 राजस्थान लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अधिकारियों से भी बातचीत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अशोक हमने सुना, एक बार जरा दर्शकों को समझाइएगा कि अगर आप बातचीत कर पाए अधिकारियों से कि वो कितना समय रहता है जब अधिकारी जो जांच दल होता है वहां पर आता है रेल की पटरियों की जांच करने के लिए, समय का अंतर कितना होता है, क्योंकि इससे ये समझ में आ पाएगा कि आरोपियों को क्या इस बात का पता था कि जांच दल कब कब आता है। जी बिल्कुल, एक गैंगमैन जो है वो लगातार गश्त करता है, इसके पास 2 किलोमीटर का एरिया होता है, ये जो पटरी है ये 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक एक गैंगमैन की जिम्मेदारी होती है कि वह ठेठ से जाते हुए दूसरी तरफ जाए और देखे कि पटरी पर कुछ रखा है या कुछ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन जब वो दूसरी तरफ चला गया उसी दौरान जो है ये पिलर नंबर 1013/23 है, उस पर जो रखा हुआ ब्लॉक था ये वही ब्लॉक है जो अभी नहीं है और इसी को उठाकर जो है पटरी पर रखा गया था और उसके बाद जो है ट्रेन को डिरेल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। अब जब अधिकारी की टीम आई तो उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद गैंगमैन हैं उससे भी बातचीत की कि आप उस समय कहाँ मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, तो उनका ये कहना है कि वह दूसरी तरफ जब ट्रैक को देखने के लिए गए थे इसी दौरान इस जो ब्लॉक को जो है पटरी पर रख दिया गया। अब इसके पीछे मकसद क्या था, उनका ये कहना है कि हर पहलुओं पर जांच हो रही है, इसमें किसी तरह की कोई साजिश है या फिर लूट के इरादे से है या अन्य कोई शरारती तत्व का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जिससे कि आसपास के गांवों में कौन कौन लोग यहां रहते हैं और पहले भी कोई इस तरह का घटनाक्रम यहां हुआ या नहीं हुआ, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस और RPF जो है अपनी जांच में जुटी है। और अधिकारी ने यह भी बताया कि इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों को भी जो है जानकारी हमने दी है, क्योंकि ये रेलवे की संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, सरकारी संपत्ति से जुड़ा मामला है, सुरक्षा एजेंसियों को अधिकारियों ने जैसा कि आप बता रहे हैं कि जानकारी दे दी गई है, तो छानबीन करने के लिए मौका मुआयना करने के लिए क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ अधिकारी आएंगे यहाँ पर?
बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को अगर सूचना दी गई है तो ये ब्लॉक जो है उससे लेकर क्या मकसद है, क्योंकि जब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा तब ही जो है इस मामले का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि केवल एक पुलिस थाने से या फिर आरपीएफ के जो 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 सीआई आए हैं उनसे इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा नहीं हो सकता। इसीलिए उनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को जो है तमाम जानकारियां दे दी गई है, क्या इसके पीछे मकसद है और क्यों इस जो है इस ब्लॉक को यहां रखा गया है, कोई एक व्यक्ति था या दो थे या चार थे, इन सभी विषयों को लेकर अभी आरपीएफ की ओर से पड़ताल की जा रही है। जिस तरह का जो ये साक्ष्य जुटाते हैं या जो पत्थर हैं वो जुटाते हैं, उसके बाद जो है इसकी जानकारियां उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, वो जो है अगला कदम क्या उठाना है वो अपने स्तर पर उठाएंगे और हो सकता है कि सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं वो भी यहां पर आए और इससे पहले ही अगर कोई गिरफ्तारी जाएगी इस पूरी छानबीन करने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा नहीं हो जाता कौन ये शख्स है जिसने ये हरकत की है और किस मकसद से हरकत की है, अगर उसको पकड़ा नहीं जाता तो फिर हो सकता है संभवतः सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जो है जानकारी दी जा सकती है और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां यहां आकर जो टुकड़े हैं या फिर जो चीजें हैं जहां जहां उन्होंने हाथ लगाए हैं या फिर किस तरह की साजिश उनकी रही है, आसपास के लोगों से भी बातचीत होगी, वो कौन लोग थे, यहीं के रहने वाले थे या बाहर के रहने वाले हैं, इन सभी विषयों को लेकर जो है अपनी जांच को अब आगे बढ़ाया जाएगा। लंबा क्योंकि ट्रैक है और खाली ट्रैक है, लामना गांव पास में ही है और आपको पूरा जो एरिया है गांव का आसपास का एरिया पूरा जंगल नुमा एरिया है, एक खेत ही खेत जो है चारों ओर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या मकसद था यहां आने का व्यक्ति का और क्यों वो यहां पर आया है, इसके पीछे क्या साजिश थी, इस सब जो पहलू हैं उनको देखते हुए इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि संवेदनशील मामला है, रेलवे की संपत्ति से जुड़ा मामला है, ट्रेन में क्या था, जब उनसे बातचीत की कि लूट के इरादे से भी हो सकता है तो उनका ये कहना है कि इस ट्रैक पर जो है गुड्स ट्रेन है तो बहुत कीमती सामान भी यहां से जाता है, तो लूट का इरादा है उनका, उन्होंने इनकार नहीं किया, हो सकता है लूट का इरादे से हो या फिर कोई साजिश हो या फिर और कोई घटना हो, इन सभी घटनाओं से कोई भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनका यह कहना है कि जब तक ये जो हरकत करने वाला बदमाश है या जो टीम है या जो गैंग है वो उसका एक सदस्य भी हाथ नहीं लगेगा तब तक इसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है, तो ऐसे में अधिकारियों की ओर से जांच जो है वो की जा रही है और अब किस तरह की जांच आगे बढ़ती है, अगर संबंधित जो मांगलेवास थाना पुलिस है उसकी मदद लेकर या फिर जो आरपीएफ की टीम है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अगर बदमाश को पकड़ लेती है, जो वारदात करने वाला है उसको पकड़ लेती है तो आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, सुरक्षा एजेंसियों को यहां आने की जरूरत नहीं होगी, अगर नहीं हो पाता है और इसके पीछे क्या मकसद है इसको जानने के लिए फिर सुरक्षा एजेंसियों की मदद भी यहां पर ली जा सकती है। इस तरह के जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का जो आपको बता रहा था मैं, ये 70 किलो का जो ब्लॉक है, इस ऐसा ही ब्लॉक जो है दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा रखा हुआ है, उसी ब्लॉक को जो है इस ट्रैक पर एक यहां रखा हुआ था और एक कोई 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो है वहां रखा हुआ बताया जा रहा है, तो वहां से भी जो है ट्रेन जो इसको लेती भी उड़ गई। अब इसमें शरारती तत्व हैं या कोई साजिश है, इन सभी पहलुओं को लेकर जो है सुरक्षा एजेंसियां हो सकती है या फिर अभी फिलहाल जो है आरपीएफ और सिविल लाइन थाना पुलिस अपनी जांच में जुटी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आरपीएफ का कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है अशोक, आपको दिख रहा है? अभी आरपीएफ अधिकारी से हमने बातचीत की थी, उन्होंने सभी जानकारी दी, लेकिन अब वो आगे की तरफ निकल गए हैं जहां दूसरी और जो ब्लॉक रखे थे, जो और ब्लॉक रखा था उससे लेकर जो है वो जानकारी जुटा रहे हैं और क्या दूसरी जगह भी यही इरादा था। अभी ये इसमें क्योंकि बड़ा मामला है, सरकारी संपत्ति और रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है, शरारती दिखा रहे हैं या फिर और कोई था, उनसे तो ये प्रतीत हो रहा है कि आसपास जंगल है और ऐसे में किसी 2 से 3 व्यक्तियों का उस पत्थर को उठा करके रेलवे ट्रैक पर लाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता जो है वो भी प्रतीत हो रहा है वहां पर है, तो किसी वाहन के जरिए उस पत्थर को लाया गया होगा, तो क्या रास्ते देखे जा रहे हैं कि आसपास का ऐसा कौन सा रास्ता है जहां पर उस पत्थर को उसी रास्ते से लाया गया हो रेलवे ट्रैक पर? नहीं, पत्थर आपको बता दें रेलवे ट्रैक पर ही पड़ा था, ये जो अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो था उसी को उठाकर जो है
ट्रैक पर रखा गया है। इसी तरह का ब्लॉक दूसरे साइड में भी है। ये जो है 1013 नंबर जो पिलर है उसके पास ये ब्लॉक रखा था। करीब 70 किलो के आसपास का ये ब्लॉक है, चिपका हुआ है उस पुलिया से जो नीचे से अंडरपास जा रहा है उसके ऊपर से उन्होंने जो बदमाश थे उन्होंने इसको तोड़ा, उससे हटाया और उसके बाद यहाँ ये जो पत्थर रखा, ये जो ब्लॉक रखा था उसको ट्रैक पर रखा गया है। और उसके बाद ये देखने का प्रयास किया गया कि ये इस ब्लॉक से जो है ट्रेन डीरेल होती है या नहीं होती। तो इसी प्रकार का एक और ब्लॉक जो है उन्होंने आगे तोड़कर रखा है। और गनीमत ये रही कि दोनों ही स्थानों पर जो है ट्रेन गनीमत ये रही कि हादसा होने से पहले ही टल चुका है। बहुत शुक्रिया अशोक तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल की पटरी पार करते समय एक मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल पटरी पर ही छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद वहां से गुजर रही योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ने इंजन में मोटरसाइकिल फंस गई। ट्रेन मोटरसाइकिल को 800 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और देखते ही देखते बाइक में आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन के पायलट की सूझबूझ से ट्रेन को रोका गया, मोटरसाइकिल को हटाया गया। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के खैराबाद में देर रात चाकूबाजी की वारदात में एक युवक घायल हुआ। बदमाश ने युवक पर पीछे से चाकू से हमला किया, जिससे युवक के शरीर पर 3 जगह गहरे घाव के निशान हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मकान पर रेलिंग से बाइक बताया जा रहा है अंदर चढ़ाते समय युवक पर हमला किया गया। बदमाश पीछे से आया, चाकू से हमला किया, फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी है। मामले में फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। कितने चाकू लगे हैं आपके? 2-3 चाकू मारे। अच्छा, कोई उससे पुराना कोई विवाद, कोई रंजिश? पुराना कोई रंजिश नहीं, मेरा मेरे रेम पे गाड़ी थी, उसके पता नहीं क्या जमा। क्या नाम था लड़की का? अल्पेज। अल्पेज मेरे मोहल्ले का है, पीछे उसकी माँ का नाम हसीना, उसके बाप को जानता नहीं मैं, उसका मामा मेरा दोस्त है। मैंने कहा भी उससे कि क्या कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने चाकू मार दिया। जयपुर का रुख करेंगे। अवैध मीट शॉप्स और थड़ियों पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। ग्रेटर नगर निगम ने 22 अवैध मीट दुकानें सीज कर दी। निगम की टीम ने 16 अवैध थड़ियों को हटा दिया। निगम ने तकरीबन 8,00,000 कैरिंग चार्ज के वसूले हैं। करीब 2,000 किलो अवैध मीट जब्त किया। 660 जिंदा मुर्गे भी निगम की ओर से जब्त किए गए। 28 अगस्त से निगम ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पदमपुर में 5 सितंबर को दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट के मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जाने पर स्थानीय लोगों ने पदमपुर थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने कहा है कि लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, साथ ही स्थानीय वासियों से भी संदिग्धों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई, ताकि जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ा जा सके। ये पदमपुर की पहली घटना है, डकैती की घटना, जो बड़ी गंभीर मसला है, एक मामला है। ऐसी घटना पे आज से पहले कभी नहीं हुई। जब से ये राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है, 8 महीने 9 महीने से पूरे प्रदेश में आए दिन बलात्कार की, लूटपाट की और नशे की बहुत बढ़ गया है, और सरकार पूरी तरह, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका है। उदयपुर से बड़ी खबर है, नांदी शर्मा के ब्राह्मणों की भागल गांव में सड़क पर पैंथर दिखा। झाड़ियों से निकलकर सड़क पर टहलता हुआ पैंथर आया है नजर। कार सवार एक राहगीर ने वीडियो बना लिया। लगातार 2 दिन से सड़क पर पैंथर घूम रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। वन विभाग की टीम लगातार पैंथर को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, तो सड़क पर एक बार फिर से पैंथर नजर आने से हड़कंप मच गया। ये देखिए, यही वो पैंथर है जो सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया है, और वहां से एक राहगीर गुजर रहा था और उसने इस पैंथर के मूवमेंट का वीडियो बना लिया, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो वन विभाग की टीम भी पैंथर की तलाश में आसपास के इलाके को खंगाल रही है। भीलवाड़ा में कुछ जिलों को खत्म करने पर दिए गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चल रहा। कांग्रेस ने जिलों को लेकर सरकार से रुख साफ करने की मांग की। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का बयान समझ से परे है। विधानसभा का जिला सचौरी, विधानसभा का जिला केकड़ी,
ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टिकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए, तो हम इसका कई जिले हटाएंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री मदन राठौर पर पलटवार किया और सरकार से नए जिलों को लेकर रुख साफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए जिले बने हों और फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया। जिला में विधायकता हमारी सरकार की, मैंने जिला बनाया, अब जिला कैंसिल होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होती दिल्ली के लोगों के लिए। जिलों को लेकर प्रदेश में जंग जारी है। इसमें बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कांग्रेस पर पलटवार करते दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी फायदे के लिए 19 जिले बनाने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता प्रभु शर्मा जी ने और एक दूसरे मंत्री विश्नोई जी ने जिस तरीके का राजस्थान के जिलों के ऊपर जो बयान दिया है वो समझ से परे है। जिस तरीके से चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाते जाते राजस्थान में 1.5 दर्जन से ज्यादा जिले बना दिए, जिसका ना कोई रोड मैप बनाया, ना विकास का कोई खाका तैयार किया, ना उनके लिए कोई बजट रखा। आज जब केवल चुनाव जीतने के लिए आपने इस तरह के प्रयोग किए और उसका भी परिणाम राजस्थान की जनता ने आपको दिखाया कि आप बुरी तरह उन जिलों में चुनाव हार गए जहां आपने जिले बनाए। ना राजस्थान की मांग थी, ना राजस्थान के उस क्षेत्र के लोग कुछ करना चाहते। सांचौर, केकड़ी समेत कई ऐसे जिले हैं जिन्हें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने खत्म करने की बात कही है। उनका आरोप है कि सिर्फ तुष्टिकरण करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार में जिलों को बनाया। बहरहाल सियासत शुरू हो चुकी है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कहां थक जाता है ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में कल शाम को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जहां कैंटर में भरकर पर्यटक रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बरसात तेज हो गई। लौटते समय बताया जा रहा है कि जोन नंबर 6 के एक बरसाती नाले में से पर्यटकों से भरा अंदर वाहन फंस गया। हालांकि वन कर्मचारियों की सूझबूझ से सभी को सकुशल बचा लिया गया है। और मौसम विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है, प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कोटा, उदयपुर, जयपुर के साथ जोधपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट जारी किया गया। 29 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रांग सिस्टम की वजह से तेज बारिश जो है वो इन इलाकों में देखी जा रही है। बारिश का दौर 14 से 15 सितंबर तक ऐसे ही जारी रह सकता है। अधिकांश जिलों में बारिश के आसार हैं। कुछ जिलों में बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। और अजमेर में जलभराव का 6ठा दिन है। आनासागर, फायसागर से पानी लगातार छोड़ा जा रहा। बांडी नदी और एस्केप चैनल के पास 6 दिन से बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, पुष्कर रोड, गौरव पथ, डिफेंस कॉलोनी, इसके साथ राज कॉलोनी, मोती विहार, ज्वेलन हॉस्पिटल मार्ग, बताया जा रहा है पाल बिचल नगरा का आम तालाब और इसी के साथ शक्तिनगर और खानपुरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। इन कॉलोनी में तकरीबन 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो नाकाम साबित हो रही। स्थानीय जन प्रतिनिधियों के भरोसे अब जनता है। प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जल भराव क्षेत्र के लोग राहत की लगातार मांग कर रहे हैं। आनासागर के 20 इन 3 गेट खोले गए हैं। तो अजमेर से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब जो है लोग ही एक दूसरे का सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बताया जा रहा है लोगों के फोन नहीं उठा रहे, घुटनों तक भरे हुए पानी में लोगों को आवागमन जो है वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आप देखिए बिग ब्रेकिंग में।